नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस स्टोरी टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांस है आने के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांस है आने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो बी ए सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वाले भी देख सकते हैं। सेकेंड ईयर वालों का एक क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन देखने को तो देख सकते हैं क्योंकि लगभग सिमिलरिटी होती है, ठीक है, क्वेश्चनों में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसका आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे लगा कि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रोवाइड कर देने चाहिए, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन भी छात्रों का परीक्षा है अभी है या फिर आने वाले दिनों में है। तो ध्यान रखिएगा, यही सारे क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आंसर बताने वाला हूँ, इसमें से काफ़ी आपको मदद मिलेगी, इसकी तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि समाजीकरण के अभिकरण के बारे में बताइए। तो आप लोगों को करना क्या है, आंसर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आंसर कैसे देना है ये सब आप लोगों को तरीके मालूम होने चाहिए। तो आप सभी को मालूम कि जितने भी सेकेंड ईयर के छात्र उनकी परीक्षा लिखी थी होगी, अति लघुते लघुते विस्तृत उत्तरीय, तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जो मैं क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में अति लघुत्तरीय में आए, हो सकता है लघुत्तरीय में आ सकते हैं, हो सकता है विस्तृत उत्तरीय में आ सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से गूगल पे या फिर सीरीज में अपने क्वेश्चन बैंक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। समाजीकरण के अभिकरण, तो इसमें उत्तर में लिखा है कि समाजीकरण के अभिकरण से अभिप्राय उन संस्थाओं से है जो समाजीकरण में अपनी भूमिका निभाती हैं। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का योगदान होता है, इनमें से निम्न संस्थाएं समाजीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि नंबर एक है परिवार, ध्यान रखिएगा नंबर एक है परिवार, नंबर दो है पड़ोस, नंबर तीन है मित्र मंडली, नंबर चार है विद्यालय तथा, ठीक है, सामाजिक संस्थाएं जैसे धार्मिक राजनीतिक संस्थाएँ आदि। तो ये हैं समाजीकरण के अभिकरण, ठीक है, जिनमें संस्थाएं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के भी चांस हैं इस क्वेश्चन के। तो इसका आंसर आप लोग और भी अच्छे से अपने गूगल पे क्वेश्चन बैंक में पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉप लेवल हम बताएंगे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल का आपकी परीक्षा में आने के चांस है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका बताइए। ये क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सामाजिक नियंत्रण, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका है, ठीक है। तो उत्तर में है कि सामाजिक नियंत्रण में धर्म का महत्व सर्वव्यापी एवं शाश्वत है। व्यक्ति के जीवन में निराशा, तनाव, भय, मृत, मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों का समाधान करने के क्षेत्र में धर्म ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। धर्म अथवा धार्मिक संस्थाओं का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति जिन जिज्ञासाओं का समाधान उच्च वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा नहीं हो सका है, धर्म सरलता से उनका समाधान कर लेता है। यानी कि उच्च वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा जो नहीं किया गया है, वो एक धर्म के माध्यम से वो चीज़ सरलता से उसका समाधान किया गया है या फिर कर देता है, ठीक है। और लिखा है कि इस दृष्टि से, ठीक है, वैयक्तिक, सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करने में धर्म का स्थान महत्वपूर्ण है। तो ये रही सामाजिक नियंत्रण में धर्म का क्या योगदान है या फिर धर्म की क्या भूमिका है, ठीक है। व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन फॉर सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, कंट्री योगदान क्या है, भूमिका क्या है, मेन क्या है, ठीक है, वही चीज़ आप लोगों को लिखना था, ठीक है, मेन पॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद भी मिलेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण के बारे में, देखिए समाजशास्त्र का पेपर आपका सभी का होगा, तो समाज यानी कि सोसाइटी, ठीक है, और समाज से समाजशास्त्र अलग होता है, तो दोनों का आंसर पढ़ लीजिए। समाजीकरण, समाजीकरण की विशेषताएँ, समाज की, समाजशास्त्र की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, इसकी मुख्य और क्या हो सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता दूँ समाजशास्त्र की मुख्य विशेषताएँ, हाँ, और इसके कारण बताइए, उपाय बताइए, संक्षिप्त में विवरण बताइए, इसके निम्न में से संक्षिप्त पर वर्णन करिए, या इसके बारे में डिटेल में लिखिए, डिस्क्राइब करके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है समाजीकरण के बारे में। चलिए इसको भी हम आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं। समाजीकरण का तात्पर्य सामाजिक प्रतिमानों तथा मानदंडों के सीखने से है, ताकि व्यक्ति समाज का सक्रिय सदन बन सके। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज के अपने कुछ सामाजिक मूल्य परंपराएं तथा नियम होते हैं, जिनका पालन समाज के प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है। इन सभी बातों को व्यक्तित्व में आत्मसात करने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। यानी कुछ नियम और कानून से होते हैं समाज के, जिसको आप लोगों को मानना होता है और उसका पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी सारी प्रक्रियाओं को एक समाजीकरण का नाम दिया गया है, इसलिए इसे समाजीकरण कहते हैं। और लिखा है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा सामाजिक परंपराओं और सामाजिक रूढ़ियों, ठीक है, के अनुसार व्यवहार करना सिखाता है। तो और भी इसका आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक जो समाजशास्त्री जॉनसन ने, इन्होंने अपने अनुसार बताया है कि समाजीकरण के बारे में, इन्होंने कहा समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने में योग्य बनाती है। बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने बता दिया है। अगर आप लोग इसका भी, जो इन्होंने अपनी भाषा में या फिर इनके अनुसार समाजीकरण का क्या परिभाषा वो बताई, अगर ये भी पढ़ रखेंगे आप लोग एग्ज़ाम में लिख देंगे तो एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों ज़्यादा टाइम मेरे पास, आप लोगों के पास भी नहीं है, मेरे भी पास नहीं है। अब मैं आप लोगों को करूँगा ये कि सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्ट करा देता हूँ, और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन और आंसर हैं ये मैं आप लोगों को अभी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। लेकिन पहले कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से आपको पढ़ के जाना, वो आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी, ये भी क्वेश्चन टॉप लेवल का आपके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस है। प्रौद्योगिकी से संबंधित हो सकता है विस्तृत उत्तरीय में क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है लघु उत्तरीय में आ जाए, तो ये याद रखिएगा, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं टिक कर दे रहा हूँ टॉप, ओके। अब अगला प्रश्न है, क्या है, प्रचार के बारे में। तो समाज जब शास्त्र है, ठीक है, उसमें जो समाज का जो प्रचार प्रसार हुआ वो कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आज रेडियो पहले कुछ और था, और आज के ज़माने में प्रचार प्रसार की जो सुविधा है वो रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि संचार के मुख्य साधन है, जिन्हें समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, और यही संचार साधन प्रसार के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो प्रचार के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह लिख दीजिएगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। तो सांस्कृतिक परिवर्तन का जो अर्थ है वो एक शब्द में मैं आप लोगों को बता दूँ। सांस्कृतिक परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि समस्त सांस्कृति, ठीक है, अपनी उत्पत्ति, अर्थ तथा प्रयोग में सामाजिक हैं। तो ये मेन पॉइंट है इसका, और इसका आंसर है, आप लोग क्वेश्चन आ जाएंगे तो पूरा का पूरा आंसर लिखिएगा। हालांकि ये सारे का पूरा जो मैं क्वेश्चन और आंसर, ये पूरा आप जो देख पा रहे हैं ना, इसको मैं भी बता दूंगा, तो आप लोग वहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर पढ़ के जाइएगा। तो गारंटी तो मैं ले सकता हूं इतना कि दो चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से फंस जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक उद्विकास के बारे में लिखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक उद्विकास के बारे में आप लोग सुन लीजिए, सभी समाजशास्त्री के अनुसार इसकी परिभाषा अलग अलग है। जैसे जिन्स वर्ग के अनुसार सामाजिक उद्विकास के बारे में इन्होंने कहा है कि उद्विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो किसी वस्तु में नवीनता पैदा करती है और संक्रमण को निरंतरता में व्यक्त करती है। और वहीं पर आगवर्ण तथा निम्न, ठीक है, कॉफ के अनुसार इन्होंने कहा है कि उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। याद रखिएगा, स्पष्ट है कि उद्विकास द्वारा समाज में नए लक्षण और परिवर्तन प्रकट होते हैं या एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का बोध कराती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन तो टॉप लेवल का एक क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 100% फंसने के चांस है। राज्य को परिभाषित कीजिए। तो राज्य को परिभाषित करने के लिए अलग अलग समाजशास्त्रियों के अलग अलग नियम हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर हेक्सले और हेडन के अनुसार राज्य का क्या परिभाषा दी गई, आप लोग यहाँ पर समझे। लिखा कि राष्ट्र एक समूह है जिसमें मनुष्य एक साझी सांस्कृतिक इतिहास परंपरा भावनाओं भूभागों में रहते हैं। और गार्नर के अनुसार इन्होंने राज्य की परिभाषा दी है कि राष्ट्र सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक समरूपता वाला एक समूह है जिसमें मानव जीवन व कार्य की एक एकता, ठीक है, कार्य की एकता के प्रति चेतना पाई जाती है।
अगला है मैकाइवर के अनुसार परिभाषा राज्य की। इन्होंने कहा राज्य एक ऐसी संस्था है होती है जो विधि कानून तथा सत्ता के द्वारा पक्ष क्रिया ठीक है क्रियान्वित होती है। राज्य में एक निश्चित सामाजिक भूभाग में सामाजिक व्यवस्था बनाकर रखने के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो ये अलग अलग जो समाज शास्त्री इनके अनुसार अलग अलग राज्य की परिभाषा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में फंसने के पूरे चांस है। तो ये क्वेश्चन टॉप लेवल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा टॉप लेवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनमत की विशेषताएं, तो आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन टॉप लेवल का, एग्जाम में 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। तो शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो पहला आप लोगों को उत्तर में मिल जाएगा, शिक्षा एक संयोजक तथा नैतिक क्रिया है, अतियो इसके उद्देश्यहीनता की कल्पना नहीं की जा सकती। और जबकि सामाजिक नियंत्रण के कारक के रूप में शिक्षा के योगदान को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आप लोग पॉइंट वाइज करके, पहला है लोगों को जीवन यापन के योग्य बनाना, समाज का बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास में योगदान, सांस्कृतिक विकास, चरित्र निर्माण करके जीवन की पूर्णता, शक्तियों का संतुलित विकास, व्यक्तित्व का विकास, परिस्थितियों के अनुकूल विकास करना आदि, और आत्म बोध द्वारा, ये सभी जो हैं वो संक्षेप में शिक्षा उपयुक्त कार्य द्वारा सामाजिक नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण के बारे में छोटी सी परिभाषा, और जो इसके निम्नलिखित जो योगदान है उसके बारे में थोड़ा इसका परिचय। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, तो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान क्या क्या हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट लेवल का है, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय और रेखीय सिद्धांतों में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय और ठीक है रेखीय सिद्धांतों में, या फिर रेखीय से चक्रे और रेखे में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर सिद्धांतों में अंतर बताइए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मदर्पण का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो आत्मदर्पण का सिद्धांत क्या है, आप लोग इसका आंसर पढ़ सकते हैं। कूले के अनुसार इन्होंने कहा, आत्मविचार अथवा विचारों की वह व्यवस्था है जो संचार के द्वारा उत्पन्न होती है और हमारा मस्तिष्क उसे अपना समझकर सदैव अपनाने के लिए तैयार रहता है। तो ये रहा आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि कूले के अनुसार था। अब अगर आप लोग और भी अच्छे से लिखना चाहते तो पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज किस वीडियो के जो समाजशास्त्र के टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर फंस लीजिएगा, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे पक्का है। और ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर डाल दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने जो बताएं ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, और कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है।